लगातार 3 सालों की अथक मेहनत के बाद नर्मदा का पानी पीथमपुर के WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँच ही गया। खलगाड़ से पीथमपुर तक लगभग 65 किलोमीटर की पाइपलाइन डालकर नर्मदा का जल यहां तक लाया गया। इसी तारतम्य में धार विधायक मीना विक्रम वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव और परिषद के सभी सदस्यों ने मां नर्मदा की आरती कर विधि विधान से पूजन अर्चन कर मां नर्मदा की आगवानी की। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णव ने बताया कि नर्मदा के पानी के पीथमपुर पहुंचने के बाद अब शहर के लाखों लोगों को सीधे इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि गर्मी में संजय जलाशय तालाब के सूखने की समस्या अक्सर आन पड़ती थी और रोजाना सप्लाई न मिलने से लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ती थी। हालांकि शहर में नर्मदा के आने से सभी शहरवासियों में खुशी की लहर दिखाई दी। एक रिपोर्ट की माने तो अब संजय जलाशय से लोगों को प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी मिल रहा था, जिससे लोगों की पूर्ति होना एक मुश्किल की बात थी। चूंकि अब नर्मदा पीथमपुर में आ चुकी है, इसलिए यहां अब प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिल सकेगा। पीथमपुर से संजय सौंदरा की रिपोर्ट। बताएं, काफ़ी समय से पीथमपुर वासी नर्मदा मैया की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो सपना साकार हुआ, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस योजना के अंतर्गत साकार हुआ, जिसमें 1 लाख से अधिक आबादी के लोगों को अमृत नल योजना का लाभ मिलना था। 100 करोड़ की लागत से ये करीब करीब पूरी हुई है और आज हम लोगों का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने जा रहा है। आचार संहिता और चुनाव करीब आने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वादा किया है वो जल्दी हम लोगों के बीच में आएंगे। और इससे पहले हम लोगों ने आकर के मां नर्मदा का, क्योंकि संपेल में वो आ चुकी है, तो हम लोगों ने उनका आरती करके स्वागत किया है और उनसे मां से आशीर्वाद लिया है कि वो हमारे धरा में जब आई हैं, धार विधानसभा में जब उन्होंने कदम रखा है, तो हमारा क्षेत्र फले फूले, उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों पर बना रहे। जी बताएं, मां नर्मदा का आगमन पीथमपुर में हुआ है, क्या है और कैसा लग रहा है? बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही एक आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसे अभिभूत है कि मोक्षदायिनी अन्नदायिनी मां नर्मदा का अवतरण औद्योगिक नगरी पीथमपुर में हुआ। मैं अपने आप को अपने जीवन में धन्य समझता हूं कि आज मोक्षदायिनी मां नर्मदा का अवतरण इस औद्योगिक क्षेत्र में हुआ। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था, जो आज सभी के सहयोग से हमारी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उसकी योजना और इस योजना में हमारे यशस्वी देश के नेता माननीय विक्रम वर्मा जी, हमारी यशस्वी विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी के मार्गदर्शन में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के प्रयासों से आज मां नर्मदा का अवतरण पीथमपुर में हुआ। मैं परिषद और परिषद के साथ जितने इंजीनियर और विशेष रूप से मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली टीम, जेनको के नरेश जी सिंह साहब, विश्वनाथ और इनके साथ जितनी भी वेबकॉस की टीम और सभी टीम, मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पीथमपुर के इतिहास में मां नर्मदा का जो पानी इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। मैं हृदय से पीथमपुर नगर पालिका की ओर से पूरी जेनको टीम को बधाई देना चाहूंगा और मेरे नगर पालिका के समस्त इंजीनियरों को भी बधाई देना चाहूंगा। बताएं सर, ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था और कितने समय में काम हुआ और नर्मदा का आगमन हुआ, कैसा लग रहा है? ये हमारा टोटल 86 करोड़ का काम था जब हमने शुरू करा था और अभी काम करते करते पिछले 3 सालों के अंदर अंदर इसमें कुछ नए एडिशन्स हुए, कुछ नए आइटम कुछ और जुड़े, नए एडिशन्स हुए। जो आज से कुछ समय पहले जब DPR बना था, उस समय जो चीज़ें कम थी उनको हमने लाइन में लाने के बाद उनको ऐड करवाया, तो ये लगभग 90 करोड़ का 92 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। आज प्रभु की कृपा से हम यहाँ पे इस स्थिति में खड़े हैं कि हमारा पानी जो है WTP तक आ गया है। शहर में हमारी 4 टंकियाँ लगभग कंप्लीट हैं, जिनमें से 3 टंकियों के जरिए तो हम पानी पिला भी रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
नल जल कनेक्शन प्रधानमंत्री जल योजना का एक बहुत बड़ा अंग है, वो भी हम काफ़ी अच्छे उसमें तेजी में कर रहे हैं। जैसे जैसे हमको नगर पालिका से कनेक्शन की पर्ची मिलती है, हम लोग कनेक्शन करवाते जाते हैं। पर डे लगभग कितना पानी आएगा आपके यहाँ? लगभग 10 ml पानी रोज आएगा यहाँ पे। और कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, ये तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि हमारे पास जो अभी काम है वो 6000 घरों में कनेक्शन देने का काम है, लेकिन ये पानी तो अगर हम तरीके से संचालित करेंगे तो लगभग रोज 15000 लोगों को पानी देगा। वैसे भी 6 परिवार में जो है आप मान के चलिए कि 24-25000 हो जाते हैं, तो 6000 कनेक्शन तो हमें देने ही है। आपका 24-25000 हो जाते हैं, लेकिन ये कनेक्शन बढ़ते बढ़ते 10000 भी हो सकते हैं, तभी भी ये पानी कम नहीं पड़ेगा। आपका नाम और पद बता दीजिए। नाम और पद बता दीजिए आपका। मैं JP सिंह जौहर हूँ, मैं जैनको बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।